राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल परिवार के साथ वाराणसी के दौरे पर है। शुक्रवार को सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पत्नी अरुणी डोभाल के साथ अचानक बनारस पहुंचे। डोभाल अब तक पहली बार काशी पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बनारस पहुंचते ही शासन से लेकर जिला के अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है। एयरपोर्ट पर डोभाल का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया और अधिकारियों ने भी बुके देकर काशी आने पर अभिनंदन किया। इसके बाद शुक्रवार शाम को ही डोभाल माँ गंगा की आरती में शामिल हुए। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच पत्नी अरुणी डोभाल के साथ दशमेघ घाट पर डोभाल का स्वागत किया गया। इस दौरान वह पूरे परिवार के साथ गंगा जी की भव्य और दिव्य आरती देखी और भारत की मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी की। फिर अचानक डोभाल परिवार के साथ विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन पूजन किए। खबरों के मुताबिक उनके विंध्याचल पहुंचने पर मंदिर परिसर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। इसके बाद डोभाल ने विंध्य गलियारे का भी निरीक्षण किया। बता दें कि वाराणसी से अजय डोभाल लगभग 3:45 पर माँ के दरबार में पहुंचे। अजय डोभाल की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया था। वही डोभाल के दर्शन को देखते हुए माँ विंध्यवासिनी मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। गौरतलब है कि माँ विंध्यवासिनी मंदिर को भव्य बनाने को लेकर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल्द ही विंध्य कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं। अजय डोभाल के आगमन से कयास तेज हो गया है। उन्होंने डीएम से भी इसकी जानकारी ले ली है।